प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अफसरों की कुंडली तैयार कर ली है। इस लिस्ट में उन अधिकारियों के नाम शामिल है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए भाजपा का काम किया है। इनमें से कई अधिकारियों की शिकायत कांग्रेस पार्टी की ओर से निर्वाचन आयोग की जा चुकी है और कई ऐसे अफसर हैं जिन्होंने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सारे काम किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद गोयल ने बयान देते हुए कहा कि सरकार बनते ही उन अफसरों को हटाया जाएगा जिन्होंने चुनाव में पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। देखिए, जो सरकारी अफसर रहता है उसका काम है सरकार के साथ चलने का, किसी दल के साथ चलने का नहीं। तो कमलनाथ जी सत्य बोल रहे हैं तो वो किसी दल का समर्थन करते हैं या उसके पक्ष में काम करते हैं तो गलत बात है। उनको ऐसा काम करना चाहिए जिससे सभी को सुविधा हो। उनकी निगाह में प्रतिपक्ष या सरकार दोनों समान होना चाहिए। जो गलत करते हैं उनके लिए कमलनाथ जी ने कुंडली बनाई है, उसे किया उन्होंने अच्छा किया। प्रदेश भर से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं वो तो कार्यकर्ता से मंगवाएंगे तो सही, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसके ऊपर तो चलेगा। मंगाएंगे वो जो गलत करेंगे उनके लिए। क्या माना जाए, 3 तारीख के बाद अधिकारियों की शामत आने वाली जिन्होंने भाजपा पक्ष में काम किया? शामत तो खैर क्या आएगी, अधिकारी रहेंगे तो वहीं पर इधर के उधर चले आएंगे। बाकी ये बात सही है कि वो जो जिस तरीके से उन्होंने गलत काम किया है उस हिसाब से उनको जो मलाईदार पोस्ट जिसको बोलते हैं राजनीति में, उनसे दूर वंचित रखा जाएगा ताकि वो जनता के हित में जनता का काम